भी तू आया ना तू कल भी नहीं। ये देख रहे हो आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया कितने यहाँ से वैली थे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो इसी का पार्ट होगा, थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट जो हमने लास्ट नाइट व्लॉग का एंड किया है गाइस, वो काफ़ी टफ था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि जिन रास्तों में हम गए हैं उनको हम रास्ता बोल नहीं सकते। वो सभी तरफ तो एक लैंडस्लाइड और रास्ते इतने डेंजरस थे ना, क्या ही बताएं। और रात को इतने टायर्ड हो रखे थे कि हमें व्लॉग का एंड भी नहीं कर पाए, हम एंड भी नहीं कर पाए, सॉरी। और गाइस ऐसे है कि मतलब हमें हमारे घर पे भी नहीं पता कि हम ऐसी लोकेशन पे गए हैं। हाँ, अभी और वो जब वो देखेंगे तो पहले तो हमें उनकी डांटी पड़ने वाली है, डांट पता नहीं क्या क्या पड़ेगा, क्या कहाँ जा रहे हो, मौत के कुएं में जा रहे हो तुम, मौत के कुएं में होके आ गए हैं। एक्चुअल में ऐसे था कि जो हमारी गाड़ी थी वो 4x4 नहीं थी, और वहाँ पे एंड में जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग रास्ता था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे हमें कोई भी सेडान गाड़ी नहीं मिली और हम अपनी ही लेके गए। और अभी हमारी गाड़ी के चारों टायरों में बिल्कुल भी हवा नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वो आपको हम दिखाते हैं। और यहाँ का वेदर ऐसा है कि अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और पैराग्लाइडिंग हो रही है, पैराग्लाइडिंग चल रही है, शायद आपको दिख रहा हो बैक कैमरे की, तो आपको मैं दिखाता हूँ पैराग्लाइडिंग यहाँ पे। मतलब सुबह से स्टार्ट हो गए हैं, एक के पीछे एक आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। तो गाइस ये हाँ, ये काफी अच्छा था। और चलते हैं आगे, आज का देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहले गाड़ी का घर को जाते हैं जहाँ कोई और नई लोकेशन को कवर करते हैं। अगर लोकेशन मिल गई तो हम स्टे करेंगे, तो अगर स्टे करेंगे, अगर नहीं मिली तो फिर हम वापस घर जाएंगे। उसका भी कॉस्टली है साहिल भाई, ये मेरे को कल बता रहे थे भाई पर पर्सन 3000। तो भाई हमने कहा कि नहीं, कि एक अभी नहीं करेंगे, पहले हमने ये पूछा कि 3000 तो दे देंगे, अगर बंदे को कुछ हो गया तो क्या दोगे। फिर वो बोल रहे हैं हम सिर्फ दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे। सो गाइस हमारी जो गाड़ी के टायर हैं ये 80% टायर खत्म हो चुके हैं, अभी हमें टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल हवा बिल्कुल लो कम हो चुकी है, ये वाला टायर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब दुआ ही करो, इतने थे, अब दुआ करो हम कहीं टायरों वाली शॉप तक पहुंच जाए। और चारों टायर में, ये नहीं कि एक टायर में, चारों टायरों में हवा कम हो गई है। आप भी जब उस लोकेशन पे जब आओगे ना, तो हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सेडान और जो छोटी गाड़ी लेके नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एक बड़ी गाड़ी हो जिससे चक्के बड़े हों, ऐसी गाड़ी लेके आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रोड ही इतने डेंजरस बने हुए हैं, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, मतलब ऐसे है कि टफ हो जाता है बड़ा। हाँ, और अगर आप ये सोच रहे हो कि 4x4 तो उसमें भी ये नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो, क्योंकि भाई इतना सा रास्ता है वो, इतना सा वो रास्ते तो एक गाड़ी का ही रास्ता है, आपको व्लॉग में दिख जाएगा। और बड़ी गाड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी लेके जाओगे तो उसको भाई मैनेज करना, फॉर्च्यूनर वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगी गाइस, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको भी मैनेज करना। और वहाँ पे ऑलमोस्ट हमने ज्यादा देखी है तो अल्टो देखी है पहाड़ों की रानी, ठीक है, वो छोटी गाड़ी है, हल्की गाड़ी है, और कहीं भी घुस जाती है, वो कहीं भी चल जाती है, कहीं भी घुस जाती है, तो अल्टो बेस्ट है। अगर आप अल्टो से आ रहे हो फिर तो भाई आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो आपको इसके बारे में भी बता देते हैं, ये स्टिकर इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी का हमने नाम रखा है पिका, गाड़ी का नाम रखा है पिका, तो इसका नाम पिका है। और कभी भी आपको ये देखो, अभी फिर आ गया एक और, ठीक है, पीछे से आ रहे हैं वो, देखो एक और, अभी जस्ट अभी वो फ्लाई कर रहा। गर्ग निवास तो बढ़िया था, 600 का हमें रूम पड़ा यहाँ पे, और फैसिलिटी भी अच्छी थी, वाईफाई था, और भैया ने सुबह चाय वगैरह दी तो अच्छा था। खाना पीना हम रात को काफ़ी लेट हो रहा, फिर खाना हमने अपने आप ही बना लिया जो दिखाया था मैंने आपको। और ये भाई रोड्स, यहाँ तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, बट अगर यहाँ से ऊपर चले जाओगे ना फिर रोड नहीं मिलेंगे भैया आपको, फिर आपको मिलेंगे पत्थर, वो भी बड़े बड़े और गड्ढे, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। तो अभी निकालते हैं गाड़ी को बाहर, सीधे सीधे टायर, सीधे सीधे सीधे, थोड़ा सा इधर को उल्टा चला,
फोकस लेफ्ट आने दे। आजा 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 यहाँ से गाड़ी निकालना भी बड़ा टफ था। अभी हम पहले देखते हैं टायर की शॉप। टायर देखो यार बिल्कुल भी हवा ही नहीं उसमें, हवा बड़ी कम हो रखी है। अबे रुक ले भाई, ये काम तो हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देख रहे हो आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया, कितने डेड हो रखे हैं, 1877 केसेस। अरे भाई भाई देखा जाए तो ये वाकई ही रोड इतना खतरनाक ये टर्न है ना। ये देखो गाड़ी दिखेगी आपको भाई, बहुत ज़्यादा स्टीप है ये, बहुत ज़्यादा। कितना सुंदर है यार ये वैली, कितनी सुंदर है देखो आप। ये है भाई कड़ी चौल रंग, एक और कड़ी चौल रंग। ये बंदे क्यों ले रहे हैं, इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे। सो गाइस यहाँ पे शमशान घाट भी है एक तरह का, यहाँ पे लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आ जाओ, तो नीचे जाने की जगह कोई मिल नहीं रही, तो देख लेते हैं एक बार वहाँ से। आई थिंक वहाँ से है नीचे जाने की जगह, तो वहाँ पे बैठेंगे कहीं पे बढ़िया से। तो गाइस ये देखो कुछ ऐसी जगह है यहाँ पे, जा तो रहे हैं। मेरे हाथ में टमाटर प्याज, बाकी सामान उधर भेज दिया मैंने। लोकेशन अच्छी है मतलब, तो ठीक है बढ़िया है। घर वाले बोलेंगे बहुत बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे रूटों पे उन्होंने स्पेशली मना करा था कि आपने बिल्कुल नहीं जाना, बट फिर भी हम नहीं हटते, हम चले जाते हैं। ओह माय गॉड, बैलेंस भी करना कि नहीं।
सो गाइस मैं कर रहा हूँ पार पानी पानी तेज आ टायर के जान वाला पानी आ मुड़िया मुड़िया देख लगता हल्का मैं तो पूरा भीग गया ये देखो बस गिरा नहीं मैं बस गिरा नहीं मैं वैसे मैं तो वैसे पूरा भीग गया हूँ प्रिंस प्रिंस देख के क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं जा भाई मेरे आके जा क्या हो गया वापस ना आने की उम्मीद लग रही है मेरे को वापस आ वापस आ जा भाई पानी बहुत तेज है कोई हम घर पे जाएंगे वापस तो आपको वो भी लोकेशन कैप्चर करके पूरी दिखाएंगे तो अभी हमने सोचा कि चलो एक बार ये भी देख लेते हैं क्या माहौल है यहाँ पे भी वेदर तो अच्छा ही है लेकिन थोड़ी गर्मी है अगर वो टाइम अच्छा है हमारे पास टाइम तो वैसे हाँ अभी देखते हैं बजट में होगा तो जरूर नहीं वाकई सही बात है भाई करतीबन जो हमें बंदे मिले हैं ना यहाँ पे वो नहीं चलाते अच्छा वो तो भाई फुल फुल उनको तो टेस्ला भी फेल करते हैं यहाँ पे इतनी वो रैश ड्राइविंग करते हैं ना यार यहाँ के बंदे कुछ बंदे सभी नहीं बोल रहा कुछ बंदे करते हैं ऊपर से ठीक है अब बोल भी देते हो ना फिर वो गाली निकाल देते हैं और गाली निकालते वो हिमाचल में वो सारी समझ में नहीं आती ना हमें गाली लेने का मजा आता है ना गाली देने का मजा आता है वही तो ना अभी भी एक बंदा था मोदी जी ने हिमाचल वालों को बोल रखा जैसे मर्जी चलाओ हम देख लेंगे आयो भाई और बहनों जैसे मर्जी चलाओ मोदी जी की हम आपको देख लेंगे मोदी जी की इंटरव्यू सुनी डोनाल्ड ट्रंप वाली अच्छा हाँ वो सुनिए एक ना मोदी जी की इंटरव्यू है उसमें डोनाल्ड की नाम आता है एक से शूट हो रहा है तीसरा ये है अपना भी दिखा दे चौथा लोकेशन पे है और अपने जो पर्सनली फोन है हमारे वो हमने बंद किए हुए क्योंकि घर से फोन बहुत आ रहे हैं पर्सनल फोन भी दिखा देते हैं आपको फोन है हमारे पास ये मैंने स्पेशल रखा है इस काम के लिए ये है हमारा पर्सनल ब्लैकबेरी अभी ये बंद किया हुआ है क्योंकि घर से बहुत फोन आ रहे हैं और गाइस ये बताना कि ब्लैकबेरी का क्रेज किस किस को है हमें तो बहुत अहमियत रखे हुए हैं ठीक है तो मतलब किसी टाइम पे बहुत यूज किया फोन हमने तो इसलिए बस
इसी टाइम में क्या है यार, आज भी यूज कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई टाइम था ना कि उस टाइम पे सिर्फ यही चलता था, ब्लैकबेरी और सैमसंग ये वो, है ना। तो वाओ, सामने का व्यू चेक करो गाइस, ओ माय गॉड। मंकी देखने को, ये भी है दो मंकी, ये हमारा बालू एक और किला बैठा बीच में। तो मैं क्या हूँ भाई बता दो, शुतुरमुर्ग भाई कितना किलोमीटर है क्या मोदी जी? भाइयों बहनों, ओ मेरे भाइयों और बहनों, वो देखो रनिंग कर रहे सो ये गोली मारने के ऑर्डर दे रहे हैं हमें, तो गाइस हम बंद कर रहे हैं, नहीं तो ये पड़ोस मारेंगे हमें, ये हमें लपेट डालेंगे, ये लपेट डालेंगे। और साहिल भाई लगे हैं अंगूठे मारने। सो हाँ जी, अभी गाइस हम आ चुके हैं मैक्लोडगंज की पार्किंग में। तो पार्किंग हमें नीचे, एक तो नीचे भी पार्किंग मिल रही थी, पर ये वाली पार्किंग अच्छी है, ये मिल रही है बिल्कुल ऊपर, हाँ बिल्कुल नज़दीक मिल रही है। और पार्किंग भी देखो पूरी बढ़िया, प्रॉपर स्पेस है यहाँ पे, और 50 रुपये लेते हैं पार्किंग के। नहीं तो नीचे तो भाई इतना रश रखा है, इतना रश वहाँ पे, तो बढ़िया आप ऊपर तक आ जाओ। ऊपर आने का बस यही है कि थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा पतला है, इससे अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। I love peaches. ये चर्च बहुत पुरानी है पता, एनाकोंडा साहब एनाकोंडा बढ़िया, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। सनसेट हो रहा है, साहिल भाई पोजिस चल रहे हैं भैया, चल रहे हैं। सो ये बंदा नाराज हो गया था गाड़ी में, कहता मेरे को व्लॉग में लेके नहीं आ रहे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसने प्रॉपर से व्लॉग देखे नहीं है, ये है इसको नहीं पता, इसको नहीं पता ये। और यहाँ का अच्छा है, हम आए हैं चर्च में। और साहिल भाई, हाँ जी, चर्च कैसी लगी? चर्च बढ़िया है, लोकेशन काफ़ी दफ़ा दिखी है, ये मैंने पहली बार देखी है। अच्छा, मैंने वैसे ऐसे नहीं, यहाँ यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, बट आया तो पहली बार हूँ, पर जैसे मेरे दोस्त आए हैं दीप भाई शूट करते हैं, ओके ओके, तो तभी ये लोकेशन में देखी है काफ़ी। ओके, तो लोकेशन अंदर, तो अभी हम आ चुके हैं लॉर्डगंज की मार्केट में। कोई भी क्या ले रहा भाई, ओहो हैंडसम बॉय, मजाक नहीं, बढ़िया लग रहे हैं, भाई से पूछ ले भाई कहाँ पे है यार, मैं भी ले ही लेना कुछ, है ना, ठीक है। ये भी ऑसम है ये चीज़, यहाँ पे नहाने का बोल रहा था भाई तू, इधर को देखना, ये भाई ने लिए हैं कितने में, रियल स्कैम, रियल स्कैम बता रहा है। यहाँ पे बहुत लूटते हैं भाई ये गूगल। अच्छा अच्छा, समझ इसका, इस पार्ट का सच मेरे पास पड़ा है, वो वीडियो बन चुकी है, तो ध्यान से ये देखो, खड़ा हाली, खड़ा हाली निकल गई, इधर देखना, ये नीचे जा रहे हैं हम, ये अच्छा वाला रास्ता था, ये थोड़ा खराब है, और ये देखो कहाँ से लिख के पहाड़ों के बीच से चलेंगे, क्या पहाड़ों के बीच से चलेंगे,
भाई देखो रास्ता एकदम कैमरामैन भैया ध्यान से चलना, अभी okay, तुम्हारे भाई okay. तुम ही हो हमें फेमस करने वाले इंसान, इधर उधर मत चल जाना। बहुत देखो व्यू दिखा मेरे भाई, ये देखो भाई व्यू। योगा तो ये देखो मौसम माहौल चल रहा है, वो देखो योगा चल रही है। तो वैसे तो जाना था हमें वहाँ कहीं, तो ये भाई पता नहीं कौन सा इसको एडवेंचर जा गया इसको कि यहाँ से नीचे आना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या है। हंजू नहीं रुकने उमर मेरी जान ते पै गई छोड़ा है जहाँ के बीच में मारे मारे सीरियस जुगाड़ गाइस, जुगाड़ क्या करो वाओ एवन दैट इज वेरी बा की है कड़ी चौल, कड़ी चौल दैट इज क्रिएटिव होता है, वो कड़ी चौल नहीं होता क्रिएटिव। हां बनाना अपना स्केच भाई। या ब्रो तो वही कल जैसा माहौल फिर से हो रहा है, बादल हम फिर बादलों के बीच में, वो देखो बिल्कुल हमारे सामने बादल आ रहे हैं, वो देखो
देखा आपने क्या मेरे से बोला भी नहीं आ रहा क्या हुआ डेड एंड हो गया गड्डी गर्म हो गई है गड्डी गर्म हो गई ताली वाले डेड एंड अभी नहीं होगा यार तेरा तो इंजन भी बड़ा हाई ऑन हीटिंग हाई ऑन दोनों की गाड़ी के इंजन हो गए गर्म अब हमें भाई थोड़ा सा रह गया चलो बुरा हाल है वो साइलेंट टॉप गियर डाल भाई इससे भी ज्यादा है टॉप गियर डाल भाई हाँ पहुंच गया तू तो गाइस फाइनली हम आ ही गए हैं पर हालत पतली हो रखी है एकदम पतली से पहाड़ गिरा है तो सभी टूरिस्ट को यहाँ से उन्होंने बोल दिया कि नीचे चले जाओ आप जल्दी से तो चलते हैं भाई जल्दी से कि कुदरत है कुछ भी हो सकता है एक मिनट में पिछली बार भी यहाँ पे भयानक सा एक काम हो गया था तो अब नहीं चाहते कुछ ऐसा वैसा फिर से हो तो चलते हैं दोबारा हुआ क्या है मेरे को अभी नहीं पता चला यार घूम फिर लिया काफी वो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है इग्नोर करना आजा निकला भाई वे चलते हैं अभी मैकलोवा में घूम लिया थक गए यार इतना चढ़ के अभी चलते हैं भूख भी काफ़ी लगी हुई है चलते हैं निकलते हैं यहाँ से मिलते हैं आपको रास्ते में आज फिर से हमें खिला रहा है वो हाफ फ्राई हमें लग रही भूख हमें लग रही भूख वैसे भूख तो इतनी लग रही ना भाई क्या ही बताएं हालत पतली हो रखी थी पर प्रिंस से मैंने बोला शह भैया आज रहने दंदा हूं बस कि शह भैया काटते हैं ये ब्लॉग देख के ना सभी पूछने वाले हैं प्रिंस कि प्रिंस एक्चुअली में करता क्या है फिर मैं तब बताऊंगा तब बताऊंगा अभी नहीं बुलाऊंगा अभी नहीं सॉरी लला अभी नहीं बताऊंगा तब बताऊंगा मैं सस्पेंस छोड़ दूं हां सस्पेंस छोड़ दूं मैं अभी जाकला बहु मरीज तब पूरी जनानियां वांगू बैठा गोडे भींगे करके ए ओए दे दे भाई टमाटर अब हां
हम अभी पहुंच चुके हैं कांगड़ा और हमें जाना है कांगड़ा के दौलतपुर गांव में। रोहित का गांव है दौलतपुर, तो वो है जहां से करतीबन 10 या 15 किलोमीटर इतना होगा, बट पहाड़ों का यही 15-10 किलोमीटर एक घंटा बन जाएगा क्योंकि चढ़ाई इतनी स्टीप है और थोड़ा सा रोड भी ख़राब है, तो हम धीरे जाएंगे। तो इसलिए भूख लग रही थी तो प्रिंस को मैंने बोला कि भाई कुछ खिला दे यार। तो जब इसने उस दिन जब हम बिरबिलिंग जा रहे थे तो उस दिन इसने भाई ने खिलाया था हाफ फ्राई, तो आज भी वही खिला रहा है। तो देखते हैं आज कितना और टेस्टी बनाता है कि नहीं, फिर पता चल जाएगा कि भाई का उस दिन तुक्का लगा था या वाकई टेस्टी था। ओ भाई लंच ब्रेक हुई सुनारा टॉर कड के खोलो टेनी कड के बाहर आया। ब्रेकफास्ट चलो मिलते हैं बाद में।